हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड और इसके महत्वपूर्ण टोटल 79 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है। तो ये है आपका घ आंसर, उपर्युक्त सभी होगा। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से बचाना, ये सभी होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब डेली बेसिस वीडियो फिर से बनेगा ट्रैवलिंग की वजह से। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें मोटिवेट करने के लिए मुझे। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया? तो ये गया था 1879। ये पिछले पार्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा इसको, और ये प्राथमिक उपचार में भी है। प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था? तो ये अपनाया था आपका सेंट जोन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन। प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार होते हैं? तो ये होता है आपका ए एवं बी दोनों, मतलब स्वयं सहायता प्राथमिक सहायता। वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है? खा आंसर है इसका स्वयं सहायता कहलाएगा। ये उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है? का आंसर है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक उपचार पेटिका यानी फर्स्ट एड में कौन सी सामग्री होनी जरूरी होती है? तो घ आंसर इसका भी होगा उपर्युक्त सभी, पट्टी, प्लास्टर, जीवाणुहीन गेज के टुकड़े, कैची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, डिटॉल, स्प्रिंट, दर्द निवारक दवाएं और खपच्ची, उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो यह है घ आंसर इसका भी हो जाएगा, शांत व अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए, प्राथमिक सहायता की जानकारी रखता हो तथा व्यवहार कुशल हो, दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को सतर्कता से समझने वाला, उपर्युक्त सभी होगा। खेलों में चोटें क्यों लगती है? तो ये लगता है आपका खेलों के नियम का पालन ना किया हो तो लगेगा, मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान अगर होता है तब भी लग सकता है, गलत प्रशिक्षण तकनीक व उपकरण का प्रयोग, तो उपर्युक्त सभी है। हड्डी के टूटने व फटने को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन, खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के कौन कौन से जो है सिद्धांत अपनाया जाता है? तो घ आंसर इसका हो जाएगा आप उपर्युक्त सभी, आराम देना, बर्फ लगाना, दबा देना तथा चोट लगने, अंग को ऊपर उठाना। ठीक है, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो बर्फ है अर्थात आपका का आंसर होगा क्रायोथेरेपी को कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो पैडोग्राफ से ही लगाएंगे, फ्लैट फुट पैड वही आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्त स्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? का आंसर है विटामिन के, ये सभी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डोपिंग, इम्पोर्टेंट है। घुटने में चोट विशेषकर किस खेल से ज्यादा लगने की संभावना होती है? तो घ आंसर फुटबॉल में ही लगती है। डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर में के किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो खा आंसर है मूत्र का किया जाता है। बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? का आंसर है इलेक्ट्रोथेरेपी। पानी के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? ग है वर्लपूल बाथ। चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका ग, कंट्रास्ट बाथ। चोट ग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबाकर गति करवाने को की विधि को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका क्रायोकाइनेटिक्स। किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये वैक्स थेरेपी होगा। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से
बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है? तो सबसे ये होता है आपका ख, वार्म अप करना होता है, इम्पोर्टेंट है। खेलों में चोटों को कौन से वर्गों में बांटा गया है? घ आंसर हो जाएगा, गंभीर चोट, ओवर यूज चोटें। लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका क आंसर है, स्प्रेन कहलाता है। लिगामेंट आया मतलब स्प्रेन, ठीक है, लिगामेंट में जो भी खिंचाव वगैरह होता है स्प्रेन होता है। पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, अब यहाँ पर देखिए पेशियों, ठीक है, यहाँ पर आया लिगामेंट, तो आप समझ जाएंगे स्ट्रेन स्प्रेन का अंतर। खा आंसर होगा, पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, खिंचाव या फटना क्या कहलाता है? तो ये खा आंसर है, स्ट्रेन। हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? तो ग आंसर है, मल्टीपल फ्रैक्चर, साधारण आंसर है। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? खा आंसर इसका भी हो जाएगा आपका, मिश्रित फ्रैक्चर, अर्थात वही है मल्टीपल फ्रैक्चर। चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? तो कंट्यूजन कहलाता है, ये आपका ग आंसर हो जाएगा। अभी हाल में सचिन तेंदुलकर को कौन से ओवर यूज इंजरी हुई थी? अभी हाल का नहीं है, पहले एक बार हुआ था उनका जो है, सचिन तेंदुलकर का, है ना। 30 का आंसर हो जाएगा आपका, घ, टेनिस एल्बो कहलाता है, एल्बो में उनका प्रॉब्लम आया था, जानते होंगे, ये 2017 के करीब हुआ था ये जो है ना, ओवर यूज वाला जो है टेनिस का। हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाने से प्रभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो का आंसर है इसका, जटिल अस्थि भ्रंश कहलाता है, ठीक है। हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो उपर्युक्त सभी, दर्द व सूजन होना, नीला पड़ जाना, रक्त स्राव तथा हड्डियों का आपस में रगड़ने की आवाज आना, तो सभी है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है? और ये इम्पोर्टेंट है एकदम, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है ये, 31 33 का आंसर। खेल में चोट के बचाव के क्या क्या तरीके हैं? तो ये होगा आपका, खिलाड़ी की फिटनेस तथा ठीक तरह से वार्म अप, खेल के पश्चात कूल डाउन करना, ये भी है, नियमों का पालन तथा सही तरीके की वेशभूषा का उपकरण का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो ये जो है आपका आंसर इसमें दिया है, प्रशिक्षण की गलत विधि, तो ये तो क्वेश्चन से अलग ही टाइप का आंसर हो जा रहा है, ये नहीं होगा। फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो ये आपका आंसर, गोलकीपर का ये जो है ग्लव्स तथा बैंडेज, ये हो सकता है आंसर, ये है, बाकी इसमें दिया हुआ है आपका, बुक में देख लीजिएगा जिनके पास बुक है, ये आपका दिया हुआ है, तो ये गलत होगा आपका, ये आंसर नहीं होगा, का आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुसाइटिस शरीर में किस अंग की चोट है? तो 36 का आंसर है, संधि का है। हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये किया गया है आपका दो प्रकार में। हड्डियों के फ्रैक्चर कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो बोला गया है इसमें, तो ये होगा आपका घ, ख एवं ग दोनों, अर्थात साधारण या बंद फ्रैक्चर, संयुक्त या खुला फ्रैक्चर। चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थान से कुचल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो कम्युनिटी फ्रैक्चर कहलाता है ये, का आंसर हो जाएगा, मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाले फ्रैक्चर क्या कहलाता है? होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो 40 का आंसर होगा आपका, घ, एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ख आंसर होगा, टार्निक्वेट। खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ जाने की चोट लगती है, उसे क्या कहते हैं? तो घ आंसर इसका भी है, एब्रेशन कहलाता है। जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? ग होगा आपका, ठंडा पानी या बर्फ से।
लिगामेंट संधि बंधन स्नायु लिगामेंट इंजरी में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? तो का आंसर है स्प्रेन। खेल चिकित्सा शास्त्र में राइस से क्या तात्पर्य है? तो ये होगा आपका आर से रेस्ट, आई से आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है, और पी से प्रेशर भी होता है, प्राइस हो गया है आजकल, इसको याद रखेंगे, पी जुड़ा हुआ है, बहुत दिन हो गया ये, ठीक है, तो प्राइस हो जाता है। भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? तो ये है आपका IASM। खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहते हैं? तो 47 का ग आंसर है आपका स्टिचेस। स्पॉन्डिलाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? वर्टिब्रा में हो गई। मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेच फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका घ आंसर इसका है मार्च फ्रैक्चर। पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोट लगती है? तो मुख्य रूप से इसका होगा आंसर ब्रिस्ट हील फ्रैक्चर हो जाता है। हील को याद रख लीजिएगा एडी में। एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? तो इसके सबसे ज्यादा इसमें आपका ग आंसर हो जाएगा टखने में। तो जैसे ऑप्शन दो दिए हैं तो आपको एक ही पे आंसर लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको टखने पर होना चाहिए। निम्न में अगर ऑप्शन टखना नहीं होता तो घुटना आंसर होता। निम्न में से किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका नीडिंग। जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? तो घ आंसर है ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही होगा। इसमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो का आंसर है मलेरिया जो है संक्रामक रोग होता है, ठीक है। डायबिटीज तो संक्रामक नहीं हो सकता, उच्च रक्तचाप भी नहीं होता है, क्वाशियोर्कर भी नहीं होता, ये सब चीज फैलने वाला नहीं है। श्वसन में परेशानी कहलाती है, तो ये होगा आपका खा आंसर डाइसोफिया। जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है? जिला चिकित्सा अधिकारी ही होगा। हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? का आंसर है स्टेथोस्कोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो का आंसर है इसका जेनेवा। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती है? तो ग आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो खा आंसर है अल्ट्रा थेरेपी के द्वारा। सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? कंट्रास्ट बाथ। विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती है, तो ये का आंसर हो जाएगा आपका करेक्टिव एक्सरसाइज अभ्यास। फ्रैक्चर का अर्थ है, तो का आंसर होगा हड्डी का टूटना। लंबरगो से क्या तात्पर्य है? तो ग आंसर होगा कमर में दर्द होना। कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? तो खा आंसर हो जाएगा सूजन कम करने के लिए। अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होता है? तो का आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बनने से। टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेलों में होती है? तो ये होता है आपका टेनिस खेल में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, अर्थात दोनों में इसका होता है। एफलवेज नामक शब्द किससे संबंधित है? का आंसर है मालिश से संबंधित है। टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? और जिनको ये करेक्ट अगर मालूम है प्लीज कमेंट करें, टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? तो ये होगा आपका टेंडन में जलन। थकान का क्या कारण होता है? तो ये होगा आपका का आंसर लैक्टिक एसिड का बनना। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो यह होता है आपका हाथ में। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें क्या पदार्थ होता है? तो आंसर है इथाइल क्लोराइड। पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? तो 73 का घ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज तथा आइसो टॉनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, भौतिक प्रतिरोध तथा सर्किट ट्रेनिंग। ऊंचाई पर क्या
प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कीजिए। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ये होता है आपका एरोबिक क्षमता। गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो घ आंसर क व ख दोनों होगा, यानी ऊष्मा थकान, ऊष्मा आघात। ऊष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? तो ये होता है आपका उपर्युक्त सभी, दूर शरीर से गर्मी महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन, सिर व वक्ष में दर्द, अर्थात उपर्युक्त सभी, ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है? तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन क्या कहलाता है? तो ये दोबारा हो गया क्वेश्चन, चलिए आंसर है डोपिंग। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।